हेलो एवरीवन, मैं हूँ शबाना। वेलकम टू माय चैनल शबाना इजी किचन। आज मैं बनाऊंगी अपनी किचन में मखाने नारियल कतली। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल। ये बच्चे बड़ों सबको बहुत ही अच्छी लगती है और बनाने में बहुत आसान होती है। इनको हम 3 से 4 चीज़ों से बना सकते हैं। मखाने बहुत सारे कैल्शियम, आयरन और एनर्जी से भरपूर होते हैं। बच्चे बड़ों सबके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। नारियल में डाइटरी फाइबर होता है जिससे दिल से संबंधित बीमारी नहीं होती। नारियल खाने से बॉडी फाइबर की कमी पूरी होती है और नारियल खाने से दिमाग भी तेज़ होता है। तो ये मखाना नारियल कतली हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो बनाते हैं मखाना नारियल कतली। यहाँ पर मैंने लिए हैं 50 ग्राम मखाने, 100 ग्राम नारियल पाउडर, 150 ग्राम चीनी, 100 ग्राम नारियल के टुकड़े, 3-4 चम्मच देसी घी, कुछ ड्राई फ्रूट्स और 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और गैस के फ्लेम को ऑन कर लिया है और 2 चम्मच देसी घी डालकर इसके अंदर मखाने को हम फ्राई कर लेंगे। दो से तीन मिनट हमें इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। दो से तीन मिनट हो चुके हैं हमारे मखानों को फ्राई होते हुए। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको निकाल लेंगे। एक ग्राइंडर में डालकर इनका पाउडर बना लेंगे। दो चम्मच देसी घी डालकर नारियल पाउडर को भी इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको हल्का हल्का भूनेंगे। हमारा पाउडर भून चुका है, अब हम इसको भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। नारियल के टुकड़ों को डालकर हम इनका भी पाउडर बना लेंगे। नारियल का जो हमने पाउडर बनाया है, कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच घी डालकर उसको भी फ्राई कर लेंगे। हमें 2 मिनट भी इसको भूनना है और इसको भी हमने भून लिया है। अब हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। मखानों का हमने इस तरह से पाउडर बना लिया है। 1 कप पानी डालकर और चीनी डाल देंगे और उसकी चाशनी बना लेंगे। इस तरह से हम इसकी चाशनी बना लेंगे। हमारी चाशनी की कंसिस्टेंसी ऐसी होगी और हम इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर एक तार खींच रहा है या नहीं। अब इसके अंदर एक तार खींच रहा है, इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार है। अब हम मखाना और नारियल का पाउडर इसमें मिलाएंगे। जो नारियल पाउडर और मखाना पाउडर हमने बनाया था और नारियल के टुकड़ों का जो पाउडर हमने बनाया था, हम सबको एक जगह मिलाकर मिक्स करके इसको बर्फी तैयार करेंगे और नारियल के पाउडर को भी डाल लेंगे और जो पिसा हुआ नारियल पाउडर है उसको भी मिला लेंगे। अब इनको जल्दी जल्दी चलाते हुए और इलायची पाउडर भी मिला देंगे। इस तरह से हम इसको चलाकर चाशनी में मिला लेंगे और ड्राई फ्रूट्स जो बादाम और पिस्ते हमने काटे थे उनको हम मिला लेंगे और एक प्लेट के अंदर घी लगाकर अब हम इसको बड़ी प्लेट में निकाल के इसको जमा देंगे। एक स्टील की प्लेट लेंगे बड़ी सी और उसके अंदर हम तेल या घी लगा लेंगे जिससे वो नीचे हमारा हलवा जो है नीचे न चिपके।
दबाकर करेंगे जिससे हमारा ये अच्छे से सेट हो जाए। एक घंटे के लिए हम इसको बाहर हवा में रख देंगे और एक घंटे बाद हम इसके अंदर चाकू से निशान बनाकर इसकी कतलियां काट लेंगे। अब हम चांदी का बर्फ लगा देंगे इसके ऊपर चारों तरफ, और अब हम इसके ऊपर चांदी का बर्फ लगाकर इसकी गार्निश कर देंगे चांदी के बर्फ। यहाँ पर मैंने एक अलग नारियल पाउडर और मखाना पाउडर लिया है और अलग से दूसरी कढ़ाई में मैंने इसको तैयार किया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कलर, जिससे हमारी बर्फी कलरफुल हो जाएगी। ये हम डालें ऑरेंज फूड कलर एक पिंच, और इससे हमारी बर्फी येलो कलर की हो जाएगी मखाना और नारियल की, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस बर्फी को हमें लूजी रखना है, पहले वाली बर्फी हमने टाइट बनाई है और हम इसको हम लूजी रखेंगे। हम एक प्लेटर लेंगे बड़ी और उसके अंदर देसी घी डालकर चारों तरफ फैला देंगे जिससे हमारा हलवा इसके अंदर चिपके नहीं। चारों तरफ लगा लेंगे। और एक कटोरी की मदद से हम इसको फैलाकर जमा देंगे और एक कटोरी की मदद से धीरे धीरे इसको दबाकर फैलाएंगे। ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, कलरफुल हमारी मखाने और नारियल की बर्फी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो शुक्रिया। हम इसी तरह मुश्किल खानों की आसान रेसिपी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।